परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हर किसी से मिलते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने देश की मिट्टी को बस पहचान लिखता हूँ, मेरा मजहब ना पूछो, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। हर किसी का अभिवादन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर, हर देश प्रेमी यहाँ मौजूद, दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं। आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में बस अपनी जान लिए फिरते हैं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा। यह ऐतिहासिक और यादगार पल, हम धन्य हैं कि ऐसे पल को एक साथ जी रहे हैं। धीरे धीरे राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र। समय है दृढ़ संकल्प लेने का, आजादी को संभालने का। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय से अब हमारा सादर अनुरोध, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू जैसे महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त
झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्रपर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आजादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और शहादत के दुख भरे इतिहास को भुलाकर स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो ना ही सामाजिक भेदभाव। आज के दिन हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने में हम आज कहां तक सफल हुए हैं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने सदियों से शोषित आदिवासी, पिछड़े और दलितों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब अंबेडकर, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि देश की आजादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव गांव, घर घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े, दलितों को
उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी क्या भागीदारी है। परंतु इस विषय के रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। हमारे सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें 1.5 से 2 वर्ष लग गए। इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों द्वारा झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़े करने का षड्यंत्र भी किया गया। परंतु जनता के अटूट विश्वास और भरोसे के बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। मुझे पूरा विश्वास है, अगर इरादों में मजबूती हो, दिल में विश्वास हो और नियत में ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हमने हक अधिकार और मान सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना तो हमारी परंपरा रही है। अब झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। आज जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अब आवास योजना के माध्यम से गरीब को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र उपलब्ध करा रही है। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल से नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं की आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था
जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो, या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो, अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा उन तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून, जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए दुर्घटना फंसे श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहां से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाढ़ जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक, आचार्य सहायक, आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपये प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है, जिसके तहत 40,000 रुपये तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75% पद पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ लेकर अब तक 2,00,000 से अधिक नौजवान, युवा एवं युवती निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 900,00,000 अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 409,00,000 मानव दिवस सृजन करते हुए
कुल 1411 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% रही है। मनरेगा एवं अन्य योजना के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आई है। लगभग 2.5 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। साथ ही इन्हें 445 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में, 1803 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि के रूप में एवं 11224 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु 5 औद्योगिक इकाइयों के साथ एमयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में होगा तथा 6000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगी। राज्य में स्थापित टेक्सटाइल उद्योग द्वारा लगभग 10000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ है। अगले 2 वर्षों में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में 12809 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा प्लस टू विद्यालयों में 2509 पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों और 543 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। सहायक आचार्य के 26001 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया दीदी, मनरेगा कर्मी, होमगार्ड जवान, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आदि पदों पर कार्यरत लाखों अनुबंध कर्मियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके मानदेय में 50% से लेकर के 100% की वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज की पारंपरिक प्रधानों पदाधिकारियों जैसे मानकी, परगने, मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, प्रमाणिक, जोगमाझी, कुडाम, नायकी, गोडेत, मूल रैयत, देवरी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा प्रधान, घटवाल, तावेदार आदि को मिलाकर सम्मान राशि में भी हमारी सरकार के द्वारा 100% वृद्धि की गई है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 15 लाख तक की ऋण 4% के साधारण ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। कई बार हमने ये महसूस किया है कि राज्य के गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पाता, ऐसे कमजोर वर्गों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को प्रति परिवार 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से गुलाबी पीला हरा राशन कार्डधारी 48 लाख परिवार आच्छादित हैं। अब तक 1,26,00,000 लाभुकों को इसका कार्ड बन चुका है। लगभग 20 लाख लाभुकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके एवज में सूचीबद्ध अस्पतालों को सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपया भुगतान भी किया गया है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा का अत्यंत और अहम स्थान है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंच सके, हमारा यह प्रयास है कि राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन से पूरे राज्य के 30 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को अधिक से अधिक समावेशी बनाने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर अब 200 यूनिट प्रतिमा मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक कुल 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किए गए हैं तथा उन ग्रामीण मार्गों पर कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया जा चुका है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास के असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर और स्थापत्य के विपरीतों विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला संस्कृति प्राकृतिक सौंदर्य समृद्ध विरासत गीत संगीत भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतर के लिए उनको उनका हक दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सकें। हमने अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है
आइए हम सभी एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। शौर्य साहस के आप चंदन हैं, हे मातृभूमि के वीर आपका वंदन है। जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, ऐसे ही तेवर दिखे हरदम तिरंगे के दीवानों का। जी हां, समय आ गया है उनके सम्मान का जिन्होंने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध होगा, कृपया ऐसे बहादुरों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके लिए सबसे पहले एक बार आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे बहादुर और अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीर सुश्री काजल कुमारी को आमंत्रित कर रही हूं जीवन रक्षा पदक 2023 के पुरस्कार। उत्तम जीवन रक्षा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है। खुद ये 13 वर्ष की हैं और इन्होंने 3 वर्ष के शिवम कुमार को कुएं में डूबने से बचाया। खुद तैरना नहीं जानती है लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया और अपने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इनकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए। उत्तम जीवन रक्षा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है, साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सुश्री काजल कुमारी, उत्तम जीवन रक्षा पदक और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है आज के इस पावन अवसर पर।